किसी ने हमारे साथ गलत किया। गलत हो सकता है गलत बोलने का तरीका, गलत हो सकता है गलत व्यवहार, गलत हो सकता है बिजनेस में गलत, गलत हो सकता है झूठ, गलत हो सकता है धोखा, गलत हो सकता है ईर्ष्या। जो ऐसा कर रहे हैं, साक्षी होकर अभी देखो, जो गलत व्यवहार कर रहे हैं उसकी अपने मन की स्थिति कैसी है, कैसी है? जो आत्मा खुश होगी, पावरफुल होगी, प्यार से भरी हुई होगी, वो हर एक के साथ कैसा व्यवहार करेगी? अच्छा करेगी। जो नहीं कर पा रही, जो इनसिक्योर है, डर रही है, ईर्ष्यावश है, नफरतवश है, दुखी है अंदर, वो ही कुछ ऐसा व्यवहार करेगी तो वो कैसे है? वो खुद दर्द में है, कमजोर है। उनको हम कहेंगे वो थोड़े से बीमार है। अब जो थोड़ा सा बीमार हो उसके लिए कैसा सोचना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए? क्या आप अगले 10 दिन के लिए ये एक लाइन रोज सुबह उठ के बोल सकते हैं उनके लिए? बोल सकते हैं? क्या लाइन थी? परमात्मा की सर्वशक्तियाँ, परमात्मा की प्यार और मेरी ढेर सारी दुआएं आपके साथ। कौन कौन ये बोल सकेगा रोज घर पे? कितना इजी है। और एक बार ये सुबह बोल दिया, सारा दिन में कुछ और नहीं बोलना, सारा दिन में कुछ और नहीं बोलना। मन जैसे ही कुछ सोचने लगेगा, ऐसा किया मेरे साथ, ऐसा किया मेरे साथ, ऐसा किया, मन को कहना वो थोड़े से बीमार है। कोई बात नहीं, अभी हम भेज रहे हैं अच्छे वाइब्रेशन, ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग ठीक हो जाएंगे, कुछ लोग हो सकता है, क्योंकि वो उनका संस्कार है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम दूसरों के संस्कारों का चिंतन करके उस संस्कार को अपने चित्त का हिस्सा न बना लें। जब हमने कहा परमात्मा की शक्तियां और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, हमने किसको बचा लिया, हमने किसको बचाया? क्योंकि नहीं तो एक अलग ही भाषा अंदर चलती है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान है तो न्याय होना चाहिए, मेरे जीते जी मुझे देखना है उसके साथ क्या होगा। ये सब सोचने से कोई उनका नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके कर्मों से उनका भाग्य तो वैसे ही बन रहा है जो वो कर रहे हैं, लेकिन हम कौन से कर्म कर रहे हैं ऐसा सोच के और बोल के? और फिर किसी और के साथ बैठते हैं तो उनके मन को भी दूषित कर देते हैं ये बोल के कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया ना, देखना आने वाला समय इनके साथ क्या करेगा। सामने वाला भी अपना दोस्त है तो वो भी हमारे साथ, उसके भी कर्म बिगाड़ देते हैं और इतनी एनर्जी सर्कुलेट होती है नेगेटिव। उनका कर्म, उनका भाग्य, वो सही है नहीं है उनके कार्मिक बैलेंस शीट में लिखा जा रहा है, लेकिन ऐसा सोचकर और ऐसा बोलकर हमने अपने कर्मों को क्या कर लिया, हमने अपने कर्मों को क्या कर लिया? एक चीज आज अटेंशन रखते हैं, दूसरे के कर्मों की वजह से अपने कर्मों को नहीं बिगाड़ना है, दूसरे के कर्मों की वजह से अपने कर्मों को नहीं बिगाड़ना है। कोई अगर गलत कर्म करे हम उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं? कोई गलत कर्म करे हम उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं? ये सुन लो, कोई आया था ना स्टेज पे तो ध्यान चला गया। कौन आया था? मन अपना है भैया जी, वो मेरा कहना नहीं मानेंगे क्योंकि वो अपने अनुसार राइट है। कल सुबह पेमेंट नहीं मिलेगा हीटर नहीं चलाया तो हम कितना भी बोलते रहे वो अपना करेंगे, राइट है, ये जीवन है। हमें कुछ और राइट लग रहा होगा,
हम दूसरे को बोलते भी रहेंगे प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा नहीं करो, प्लीज, वो सुनेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे और फिर वो ही जाके करेंगे क्योंकि वो उनको राइट लगता है। वो भैया ने सुना भी नहीं कि हम सब ने क्या बोला उसके बारे में। तो जैसे यहाँ हंस रहे हैं ना, जैसे यहाँ हंस रहे हैं वैसा ही घर पे हंसना है जाके। ये है अपने अपने संस्कार, अपनी अपनी डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अगर घर पे भी हम ऐसा ही हंसे, राय दें, राय जरूर देनी है, हर रोज देनी है, बच्चे हैं, हमारा रोल है उनको राय देना, काम कर रहे हैं हमारे साथ, हमारा रोल है उनको राय देना, लेकिन राय देते समय अपने चित्त पर उनका संस्कार रखकर अपने मन और चित्त को मैला नहीं करना है। इसी सीन को फिर से देखते हैं, वो आए, वो अपना कर रहे हैं, एक है उनको कुछ बोला ही नहीं और अंदर सोचते गए ये क्या मतलब है, प्रोग्राम के बीच में स्टेज पे आ जाते हैं, इतना भी नहीं समझ में आता, जो करना था पहले करना चाहिए था, ये अंदर चलेगा, कौन मैला होगा, कौन मैला होगा यहाँ, और उनको कुछ बोलते नहीं हम। दूसरा, हम उनको बोलते हैं लेकिन बोलते हुए भी पहले इधर मैला हो जाते हैं। तीसरा, यहाँ कुछ नहीं क्रिएट करो और उनको प्यार से बोलो कि ये आप मत करो, कर सकते हैं? क्योंकि सारा दिन में बहुत लोग मिलेंगे, अलग अलग संस्कार, अलग अलग व्यवहार, अगर हर एक के संस्कार को हर एक के व्यवहार पे यहां रखना शुरू कर दिया तो शाम को कितनी सारी इन्फेक्शन लेके घर पहुंचेंगे, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। दिन में कितने लोग मिलते होंगे जिनके संस्कार हमें पसंद नहीं आ रहे कुछ कुछ, अगर 10 भी मिल जाएं, 10, और 10 लोगों की आदतों को यहां चिंतन कर लिया तो शाम तक पहुंचते पहुंचते हमारा मन और चित्त क्या हो जाएगा, और घर आकर हमने वो वाइब्रेशन अपने बच्चों को दे देनी है। देवी देवताओं के जब चित्र देखते हैं तो पीछे एक वाइट कलर का ऑरा दिखाई देता है, दिखाई देता है ना, वाइट, वो वाइट ऑरा होता है। वाइट ऑरा मतलब उनका मन और चित कैसा है, मन और चित कैसा है, वाइट, क्लीन, कोई मैल नहीं, बिल्कुल साफ। हम सबके पीछे भी एक सर्कल है, हम सबके पीछे भी एक सर्कल है, क्या कलर है, क्या कलर है आपको पता है? आजकल विज्ञान ने मशीन बनाई है, उस पे सर्कल दिखता है, अगर आप माउंट आबू आएंगे तो वहां भी दिखेगा, मन की स्थिति के वाइब्रेशन दिखती है, जैसे ईसीजी दिखता है कि हार्ट कैसे चल रहा है, वैसे यहां क्या चल रहा है वो भी दिखता है। तो अपना सर्कल क्या होगा, क्या लगता है, मल्टी कलर? मल्टी कलर क्यों होगा? हाँ, सारा दिन में जस्ट विजुअलाइज कीजिए, हर एक एक एनर्जी फील्ड के साथ चल रहा है, जिसको हम कहते हैं उनसे मुझे अच्छी वाइब्रेशन नहीं आई या इनसे मुझे बहुत अच्छी वाइब्रेशन आई, वो वाइब्रेशन क्या है, उस आत्मा का अपना आभा मंडल। वो आभा मंडल कैसे बनता है, उनकी सोच, उनकी भावनाएं, उनके शब्द, उनके व्यवहार, उनकी मेमोरीज, उनके इंटेंशंस एक सर्कल बनाती हैं। सत्युगी आत्मा, देवी देवताएं, देने वाले, उनका सर्कल वाइट। हम सब कौन सी आत्माएं हैं? हम सब वही आत्माएं हैं। हम सब कहते हैं ना, ये मेरी कुल देवी है, ये मेरे कुल देवता है, नाम है ना हर एक के पास, कुल देवी है, कुल देवता है, मतलब हम किसके कुल को बिलोंग करते हैं? कुल देवी है, कुल देवता है, तो हम किसके कुल को बिलोंग करते हैं? देवी देवताओं के कुल को बिलोंग करते हैं। तो हमारा सर्कल वाइट, सिर्फ हमें ध्यान क्या रखना है, सुबह वाइट सर्कल के साथ घर से बाहर निकलना है और शाम को वाइट सर्कल लेकर घर आना है। एंड उसके लिए क्या करना होगा,
सब लोग मिलेंगे सारा दिन जिनका अलग 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 संस्कार है, अगर हमने उसके संस्कार को यहाँ रखा तो मैंने अपने सर्कल में क्या कर दिया, मैंने अपने सर्कल में क्या कर दिया, किसी और की लो वाइब्रेशन पकड़ के यहाँ रख दिए। फिर मैंने सिर्फ यहाँ नहीं रखी, किसी और को सुनाई तो मैंने उनके सर्कल में भी डाल दी, और हम दोनों ने बात की जब बैठकर, तो हमने किसी और की कमज़ोरी की बात की, लेकिन वो कमज़ोरी अब उनकी नहीं, अब वो हमारी एनर्जी फील्ड में आ गया, मतलब दाग लग गया। वाइट ड्रेस पहनते हैं ना तो बहुत ध्यान से पूरा दिन चलना पड़ता है, कुर्सी पर बैठ गए बिना चेक किए कि कुर्सी साफ थी कि नहीं, तो 10 मिनट के बाद कुर्सी का दाग अपना दाग बन जाता है। इसीलिए अपने आप को संभाल के चलना पड़ता है। एक चीज़ आज पक्की करते हैं, लोगों की कमज़ोरी को चित पर नहीं रखेंगे, उनको रोज़ दुआ देंगे, उनके साथ काम करेंगे, जो उनको राय देनी है वो करनी है, शिक्षा देनी है वो भी करनी है, लेकिन उनका चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि चिंतन करने से वो संस्कार, और इतने लोगों का चिंतन करेंगे तो सारा दिन में कितनी इन्फेक्शन आ जाएगी, और चिंतन नहीं करेंगे और दूसरों से बात भी नहीं करेंगे उसके बारे में। कर सकते हैं हम दूसरों से नहीं बात करेंगे उसके संस्कार के बारे में? अगर हम किसी की विशेषता देखेंगे तो हमारे सर्कल में क्या आ जाएगा, तो हमारे सर्कल में क्या आ जाएगा, उसकी विशेषता आ जाएगी। कमजोरी देखेंगे तो कमजोरी आएगी। परमात्मा कहते हैं जिसके संस्कार का आप चिंतन करेंगे वो आपके चित्त का हिस्सा बन जाएगा। अगर किसी ने गलत किया और हमने भी उसके साथ गलत किया तो हमने तो अपनी एनर्जी फील्ड को डाउन किया ना, हमने अपने सर्कल को खराब किया, एक दूसरे के कर्मों को देखकर अपने सर्कल को खराब करते गए, तो ये सृष्टि क्या बन गई, दुनिया क्या बन गई, आज इस दुनिया को क्या कहेंगे, कलयुग। अब तो कलयुग भी नहीं कहते, घोर कलयुग। अब घोर कलयुग के बाद क्या आना है, घोर कलयुग के बाद क्या आना है, हाँ, सुबह थी, दोपहर हुई, शाम हुई, अब रात होने वाली है। हम ही सुबह थे, हम ही दोपहर को थे, हम ही शाम को थे, अभी थोड़ी देर बाद हम ही रात को होंगे। तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, घोर रात्रि। घोर रात्रि के बाद, घोर रात्रि के बाद, घोर रात्रि के बाद फिर से सुबह। इट्स अ साइकिल, चलता ही जाएगा, सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात। जो सुबह थे लोग वही रात को होंगे ना, और वही लोग रात को क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे, तैयार होंगे, और वही सुबह फ्रेश हो जाएंगे। वही लोग सुबह फ्रेश होंगे, रात तक क्या हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे, थक जाएंगे। अब इसी साइकिल को थोड़ा सा बड़े पे देखते हैं, एक दिन का साइकिल नहीं लेकिन इस सृष्टि का साइकिल। सृष्टि की सुबह, सृष्टि की दोपहर, सृष्टि की शाम, सृष्टि की रात। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, घोर कलयुग। तो फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, फिर हम स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं ना, कोई भी शुभ कार्य करना है तो स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं। तो स्वास्तिक में चार भाग है, राइट, चार भाग है। उस चार भाग को एक मिनट देखते हैं। फर्स्ट भाग ऐसे, हाथ ऐसे है, ये मतलब हम क्या कर रहे हैं, हाथ ऐसे मतलब हम क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, वो सतयुग है, पहला भाग। दूसरा भाग हाथ नीचे, त्रेता युग। तीसरा हाथ मांगना शुरू किया, द्वापर युग। और चौथा हाथ कलयुग। लेकिन अब चौथे हाथ के बाद कौन सा हाथ आने वाला है, इसलिए उसको स्वास्तिक कहते हैं। स्वास्तिक मतलब स्व का अस्तित्व, वो जिसको याद होगा उसका जीवन शुभ होगा। ऐसे ऐसे ऐसे
और फिर ऐसे। अब अगर कलयुग को सतयुग बनाना है तो हमें सिर्फ एक चीज करनी है, ऐसे बन जाना है। ऐसे बन जाना मतलब कोई कुछ भी करे, कैसा भी व्यवहार करे, कुछ हमें क्या देना है, हमें क्या देना है, दुआएं दुआएं, शुभ भावना देने वाला। प्रोग्राम शुरू हुआ, दिया जलाया, हर रोज दिया जलाते हैं और दिया जलाना शुभ होता है, शुभ होता है ना, दिया जलाना शुभ होता है। और अगर दिया बुझ जाए तो उसको अशुभ कहते हैं, इसलिए अगर दिया बुझने वाला होता है तो फटाफट भागते हैं उस दिए की लौ को संभालने के लिए। दिया बुझना नहीं चाहिए, कौन सा दिया बुझना नहीं चाहिए, कौन सा दिया बुझ जाएगा तो अशुभ हो जाएगा, बुझ गया जाओ फिर से जलाओ ठीक हो जाएगा, वो अशुभ क्यों होता है। दिया मतलब दिया, क्या दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, विश्वास दिया, ये अंदर का जब दिया बुझ जाता है तब जीवन अशुभ हो जाता है। ये वाला दिया बुझने से नहीं अशुभ होएगा कुछ भी लाइफ के अंदर। दिया, आज हम लिया वाली साइड पे शिफ्ट हो गए हैं, प्यार दो, सम्मान दो, विश्वास करो, आप मेरा कहना मानो, ये लिया वाली साइड है। लिया वाली साइड कलयुग होती है, ऐसे दिया वाली साइड कौन सी होती है, देवी देवताओं को कैसे दिखाते हैं मूर्तियों में, देवी देवताओं को कैसे दिखाते हैं, ऐसे और ऐसे, क्या कर रहे हैं वो, सिर्फ दिया दिया। सामने आता है जो, वो आके कहता है मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, वो कहते हैं लो, ऐसे करते हैं ना, यही कर रहे हैं ना। इसका मीनिंग क्या है, हम उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वो ये कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है। कोई हमारे सामने आएगा, अपने संस्कार दिखाएगा, वो बोलेगा नहीं मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, वो करके दिखाएगा, बोलने थोड़ी वाले हैं वो कि मैं नीच हूँ पापी हूँ। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे सामने जो भी संस्कार आएंगे वो अलग अलग तरह के संस्कार होंगे, हमें हर संस्कार को क्या करना है, दिया, शुभ भावना, प्यार, दुआएं, दिया। और जब हम उनको देते जाएंगे तो कौन बच जाएगा सबसे पहले, कौन बच जाएगा सबसे पहले, हम। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया और हमने भी रिटर्न में कुछ ऐसा किया तो कलयुग क्या होता जा रहा है, और कलयुग बनता जा रहा है। ये सृष्टि को कलयुग किसने बनाया, हम में से किस किसने कंट्रीब्यूट किया कलयुग बनाने में, मैं तो बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया कलयुग बनाने में, किस किसने कंट्रीब्यूट किया, हाथ उठाना, आपने नहीं किया कुछ भी कलयुग बनाने में कंट्रीब्यूट, हाथ उठाना चाहिए ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, हमने कलयुग बनाया। क्योंकि उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सत्युग कौन बनाएगा, हम बनाएंगे। ऐसे ही बैठे हैं रोज टीवी न्यूज़ देखते हुए, दुनिया क्या हो गई है, दुनिया क्या हो गई है, इस दुनिया को कौन चेंज करेगा, पॉलिटिशियन चेंज करेंगे, प्राइम मिनिस्टर चेंज करेगा, साइंटिस्ट चेंज करेंगे, धर्म नेता चेंज करेंगे, कोई नहीं चेंज कर सकता इसको, हरेक को चेंज करना पड़ेगा। आई हैव टू क्रिएट द चेंज। सत्युग कहाँ क्रिएट करना है, सत्युग यहाँ क्रिएट करना है। आज अगर हम चाहें, अगर हम अपने जीवन में ये लिया वाली साइड से शिफ्ट होकर दिया वाली साइड पे शिफ्ट हो जाएं, हमारे सत्योगी संस्कार आज से शुरू हो जाएं, हमारी जीवन स्वर्ग आज से है। हमें नहीं वेट करना कि सृष्टि पे स्वर्ग कब आएगा, अपने जीवन को स्वर्ग कब बनाना है वो आज। अब अगर हमारे साथ कोई गलत करे और हम फिर भी उसको दुआ दें तो हमारा सत्योग शुरू है, हमारा सत्योग शुरू है। लेकिन अगर कोई हमारे साथ करे और हम उसके लिए गलत 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 सोचते जाएं, रात को नींद ना आए, गोली खानी पड़े सोने के लिए, फिर वो कौन से युग में है वो उनकी चॉइस है। लेकिन हमने अपना जीवन तो कलयुग बना लिया ना, कलयुग मतलब कलह कलेश का युग, वो यहाँ है, यहाँ। तो देने के लिए रेडी है उनको दुआएं, दुआएं देने के लिए रेडी है उनको। ये नहीं चेक करना है सामने वाले ने ये क्या किया, ये देखना है मेरे पास क्या देने की कैपेसिटी है। बाहर सड़क पे जाएंगे, कुछ लोग लेने वाली साइड पे खड़े होते हैं ना,
आप अपनी गाड़ी लेकर रेड सिग्नल पे रुकेंगे, वो आपकी खिड़की खटकाएंगे, वो लेने वाली साइड पर खड़े हैं, आप कौन सी साइड पर खड़े हैं? आप कौन सी साइड पर खड़े हैं? आप देने वाली साइड पर खड़े हैं। आप थोड़ी खिड़की रोल करके नीचे उनको बोलेंगे, पहले तुम थोड़ा दो फिर मैं दूंगा। ऐसे कैसे कि मैं ही दूं हर टाइम तुम्हारे को, कल भी मैं नहीं दिया था, परसों भी मैं नहीं दिया था। तो परमात्मा कहते हैं रिश्तों में ऐसे नहीं बोलना होता एक दूसरे को, पहले वो मेरे से अच्छा करे फिर मैं करूं, अच्छा थोड़ा तो वो करे थोड़ा फिर मैं करूं। भैया वो लेने वाली साइड पे खड़े हैं, यहां से बीमार है कोई, कंगाल है, गरीब है, आत्मा में ताकत नहीं है, सम्मान देने की शक्ति नहीं है, तो वो सम्मान मांगने वाली साइड पे खड़ा होगा ना। इसमें एज पोजीशन कुछ भी नहीं है, सोल पावर कितनी है। किसी को ईर्ष्या है, वो सुखी रह नहीं सकता, वो आपके लिए अच्छा बोल नहीं सकता। अब आप उसको बोलो आप पहले अच्छा बोलो फिर मैं आपके लिए अच्छा बोलो, नहीं, नॉट वेल उनके प्रति। तो इसलिए रिश्तों में बिजनेस नहीं करना है, आप थोड़ा अच्छा करो फिर मैं करूं, नहीं। डिसाइड कर लो कौन सी वाली साइड पे खड़े हैं, ये साइड पे खड़े होने हैं, ये साइड पे खड़े होने हैं, कौन सी साइड पे खड़े होना है, कौन कौन देने वाली साइड पे खड़ा होना चाहता है। पक्का? तो फिर एक लाइन और रोज बोलनी है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। एक मिनट, इतना जल्दी नहीं, चेक करके अपने आसपास, बच्चे, परिवार, पति, पत्नी, ऑफिस, सब चेक करो, सबको सामने लाओ और सबको देखते हुए अब अपने मन को कहो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। देना 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 देना, मैं देने वाली आत्मा हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अब बोलिए क्या हुआ, क्या हो गया, क्या चाहिए किसी से? अपने आप को हमेशा रुक के पूछना चाहिए, मुझे क्या चाहिए किसी से? परमात्मा एक बहुत सुंदर इक्वेशन बताते हैं, जो भी चाहिए वो तभी मिलेगा जब औरों को देते हैं, क्योंकि जब देते हैं तो वो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं और हमारे थ्रू निकलकर वो दूसरे को जाती है।